पिछले कुछ दिनों से बीजेपी जेडीयू के भीतर चल रहे घमासान को देखते हुए साफ है कि बीजेपी और जेडीयू का 17 साल पुराना रिश्ता टूटने की कगार पर है और दोनों पार्टियां गठबंधन तोड़ने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगी है। बता दें कि बीजेपी के गठबंधन मुद्दे पर जेडीयू के सभी विधायकों की 15 जून को पटना में बैठक होना तय है। कुछ नेताओं का तो साफ कहना है कि वो जेडीयू के गेम को अच्छी तरह समझ रहे हैं और पार्टी ने अभी से उन्हें लालच देना शुरू कर दिया है, जिससे नेता काफी नाराज हैं। इधर बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने तो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे असफल करार दिया है। चाहे कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी की ये सरकार, चाहे उसको सपने यमराज के आए या सपने कोई और आए, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो वो गाली और जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, देश की जनता उसके एक एक शब्द को नोट कर रही है और आने वाले दिनों में उसका सूद ब्याज के साथ कांग्रेस पार्टी को हिसाब किताब देना होगा। खैर, ये गठबंधन होगा या नहीं ये तो बैठक में साफ हो जाएगा, लेकिन इस घमासान के चलते कुछ नेताओं को अपनी भड़ास निकालने का अच्छा मौका जरूर मिला है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।